याद है असुरे अधर अभिमानी। ये कहां बढ़ते हैं संसार में। तब तब प्रभु धरी विविध कुलधीरा हरहि कृपा दिधि सज्जन। भाव मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी यत्र भावना सिद्धिर् भवति तादृशी। मंत्र में तीर्थ में देवता में ब्राह्मण में गौ में औषधि में जिसकी जैसी भावना होती है उसको ऐसा फल। तभी हमारे संतों ने लिखा कि जाती रही भावना जैसी तो प्रभु मूरत देखी तिन्हें। तो अपने भाव को देखिए। जिसे एक बात और कहा कि शुभ समय। अब मैं अगर इसमें बोलूंगा तो ये ना कहना कि आप प्रसंग को आगे बढ़ा के बोल रहे हैं। भाई भाई अगर प्रश्न आएगा तो कहीं ना कहीं से उत्तर खोजना पड़ेगा। तो आप भाव सुनिए बस। शुभ समय था अनिश्चित हो गया कि कल राजा बनाया जाएगा। निश्चित हो गया कि कल राजा बनाया जाएगा लेकिन नहीं बने। नहीं बने। वशिष्ठ जी से पूछा गया कि बताइए कि वो घड़ी कब है कि राम जी राजा बनेंगे। तो कहा सो दिन सुमन मंगल ताही दिन राम हो ही युवराज। वही घड़ी वही समय वही तिथि वही स्थान शुभ होगा जिस दिन राम जी राजा बन जाएंगे। तो कहते क्या है कि राम करहु सब संजम आजहि विधि सले निबाहे। तो महाराज पिताजी क्या कहते हैं कौने अवसर का भय हो गयो नाथ विश्वास। कौने अवसर का हो गया क्या वो सब घड़ी नहीं थी लेकिन राजा बनने की सब घड़ी थी। तो सब समय कब आता है जिस समय उसका समय आया है वही समय शुभ हो जाता है। मैंने क्या कहा था अभी कि सिंह का कोई सिंहासन नहीं होता है सिंहासन जिस चट्टान में वो बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाता है। तीसरी बार लक्ष्मण ने कहा कि प्रताप भान ने विचार कर प्रताप भान को विचार कर श्राप प्राप्त किया। बोले भी प्रभु श्राप विचार नदी नहीं अपराध भूमि कछु। राजा तो पहले ही अपराध कही गया है। राजा तो सबसे बड़ा अपराध तो वही हो गया कि विप्र ब्रंद उठी उठी गृह जाहू नहीं है परिहान अन्न नहीं। आकाशवाणी हुई कि नहीं हुई। आकाशवाणी हुई। तो जब राजा को श्राप हो गया तो पुनः भय होने पर गिरा आकाशा कि विप्रह श्राप विचार। भाई उसी समय ये होता जब वो आकाशवाणी हुई थी तो वह नकली आकाशवाणी हुई थी कि विप्रद्रंद उठी उठी रह जाहू है बड़ी हान अन्न जन खाहू भई रसोई भूसु दमासु सब तुझ उठे मात विश्वास। तो ये आकाशवाणी उसी समय हो जाना चाहिए कि राजा को श्राप मत दीजिएगा राजा ने कोई अपराध नहीं किया। जब राजा का श्राप हो गया तब कहते हैं अपराध नहीं किया था कहने मतलब विचार करिए। तो राजा ने अपराध किया था बिना अपराध के बिना कारण के कर्म नहीं होता। जब तक कारण नहीं होगा कर्म नहीं होगा। राजा का सबसे बड़ा अपराध किया था राजा झूठ बोल गया। सत्य बोलने के लिए किसी शपथ की अवसर जरूरत नहीं है। नदियों को आगे बढ़ने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं है। सत्य अपनी शपथ स्वयं बना लेता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अब राजा ने वहां झूठ बोला। क्या झूठ बोला
उस कपि मुनि ने कहा कि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे लागत दया देखया थी। तो राजा ने कहा नहीं महाराज, नाम प्रताप भानुनीसा तासु सचिव मैं सुनहु। अब वही राजा के पतन का कारण बन गया। असाय तो राजा कह देता मैं प्रताप भानु हूं तो कहानी बदल जाती, शायद ये ना होता। तो नहीं असत समय पातक मुंजा गिरी समय हो ही कि कोटि के गुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं होता, झूठ बल सांच बराबर तप नहीं, अझूठ बराबर पाप अजाके हृदय में सांच है आगे हृदय में आप। लच्छमण कहता है महाराज विचार कर, नहीं बोला गया। यहां क्यों विचारे हो रहा है, यहां तभी भी विचारे हो रहा है कि नहीं हो रहा। सोई पुरा आदि को दंड कठोरा राज समाज आदि जहि तोरा तत्र भुवन जय समेत वैदे बिना विचार। इतना बड़ा त्रिलोक कोटि का आयोजन हो रहा है और वो भी बिना विचार हो रहा है। अब बताइए, बड़ी आश्चर्य की बात कर रहा है ये, यहाँ बिना विचार। अच्छा बेटी बेटा का विवाह किया जाता है तो बिना विचार ही किया जाता है क्या? आए पंडित जी मुंह निकालिए। जाओ घर भरे कुल होए अनुपा तसुता विवाह करिए अनुपा। घर बार कुल अगर तीनों श्रेष्ठ हैं तब भी हमारे संत कहते हैं विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? तो कहा सुता विवाह करिए अनुरूपा। एक बात बड़ी विचारणीय है, ये 10,000 राजा धनुष तोड़ने आए थे ना, भूप सहस्रस एक ही बाधा और लगे उठावन तरई डगई न शंभु सदासन कैसे कामी बचन सती मन। विचार करिए आप लोग, अगर ये 10,000 राजाओं से टूट जाता तो सीता शंकर सत्यनारायण का प्रसाद जाकर कि थोड़ी थोड़ी बांट दिया जाता कि तुम्हें ले लो तुम्हें ले लो। ये सपना बिचारे हुआ तभी स्थिति आ गई, तभी स्थिति आ गई। तो बिना बिचारे नहीं करना चाहिए, यहां हर काम बिना बिचारे हुआ है तभी जाकर के सामंजस्य नहीं बैठा। लेकिन यहां सन महंत देव तनुज धरी मनुज सरीरा विपुल वीर आए धीरा। यहाँ पर इतनी शक्तियां एकत्रित हैं कि उस विचार को प्रभावी नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ। तीसरी बार बार कौकल, चौथी बार लक्ष्मण ने कहा महाराज धनुष तोड़ने वाला किसको बिलोगा? सीता को। यही बिलोग तकेउ धन कैसे? सहसराजू ने कहा देखा? सहसराजू ने गऊ को देखा है भाई। सहसराजू ने कामना जगी किसको देख कर काम दे? सहसराजू ने भी तो किसी को देखा है, तभी तो कहा है कि ये मुझको दे दो। बिना कामना के नहीं होता, इस समाज में भी कामना है। और कामना क्या है? कुंवरी मनोहर विजय कीरतियन कमनीय पावन हार की जब बचे तो कामना यहां भी जगी। नहीं तो लोग यहां की ये थोड़ी चाहते थे कि धनुष टूट जाए ना, ये तो राजा जनक भर चाहता था।
कि धनुष टूट जाए। यहाँ के नर नारी ये नहीं चाहते थे कि ये धनुष टूटे, वो चाहते क्या थे, बिनय भंजे भव धनुष विशाला अमुक श्रीये मिले उरे। बिना भंजे बिना टूटे यहाँ पर विवाह हो जाना चाहिए और सीता माल्यार्पण करते लोग यहाँ ही ये चाहते थे। लेकिन ये राजा इतना हठी है, इतना हठी है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना विचार बरे हठ। अच्छा पुत्री की विवाह में हठ करना चाहिए का न भाई? यहाँ पर सीता ने स्वयं कहा, आह ही बात, अरे पिता दारू में हट था, तुमने इतना बड़ा हट कर दिया कि समझत नहीं कछु लाभ न हानि, न तुम्हें लाभ का पता है न तुम्हें हानि का पता है। सचिव सब है, सचिव भयभीत है, सिख दे ये न कोई अबुद्ध समाज बड़ अनुचित। सचिव भयभीत है, इस समाज में कोई किसी को अच्छी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। आज ये विद्वानों की सभा लगी है और ये विद्वानों की सभा में अनुचित ही लगता है। अब बताओ यहाँ के विद्वानों पर भी उंगली उठाई है। अब हमारे आचार्य कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आ राज धर्म तन तीन कर होए बेगही। अगर ये तीन अप्रिय बोले, प्रिय बोले कैसे, भय की आशा से सचिव, अगर भय की आशा से प्रिय बोला, अरे चिंता ना करो महाराज होगा कैसे। हेलो हाँ ये आगे जयराम सिंह भदौरिया जी, उनकी तरफ से ये 50 रुपया श्री लखनलाल जी के चरण में और परशुराम जी के चरण में समर्पित करें, बहुत बहुत साधुवाद। तो सचिव अगर बोलता है तो राज्य का नाश हो जाए। वैद्य अगर भय प्रिय बोलता है भय की आशा से तो शरीर का नाश हो जाएगा। गुरु अगर भय की आशा लिए प्रिय बोलता है तो धर्म का नाश। लक्ष्मण कहता है महाराज हम आपका गोसाइयां कहा है, आओ हम गोसाई हैं तो गोसाइये तो कही हो का कही, पंडित जी का पंडित जी ने कही हो तो का पंडिताइन जी कही हो का, हम गोसाई हैं तो तुम हमें गोसाई कहोगे, तुमको वे क्यों कहा। बात यहां आई भाई वे, तुम मुझे गोसाई कहो मैं तुम्हें वे कहो, अच्छी बात गलत बात ना, तुम गोसाई कहा तुम्हें साधुवाद, लेकिन मैं वे क्यों कहता हूं, वे मैं इसलिए कहता हूं, वे शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना, जो अच्छा परीक्षार्थी होता है तो जब वो परीक्षा कक्ष में बैठता है तो जब उसे उत्तर पुस्तिका मिलती है तो उसी के नीचे उत्तर लिखा होता है, तो जो सुयोग्य परीक्षार्थी होता है वो सही चयन करके उत्तर कर देता है और जो नकलची होता है वो ऐसे लगाता है आंख मूंद के कि आएगा तो आएगा नहीं तो भाग जाएगा, तो ये नकलची आए, अब इसको नकलची कहूंगा, नकलची तबलची। मैं बहुत मैं मिलाना चाहता तो मैंने क्या कहा कि रे रे राजा के लगे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल। अच्छा
ये कहता है बहुत धनी भी तो नहीं लगता है। तो जिसने इसको तोड़ा है वो त्रिभुवन भी जेता है। भाई त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो त्रिभुवन विजेता घोषित किया गया है। लक्ष्मण ने जिन धनुहियों को तोड़ा है तो ये तुमने मोहल्ला का विजेता बना घूम रहा। अरे भाई समता करो, समय दर्शी मोही कहा सब को सेवक प्रिय अनंत सो समदर्शन। अगर समदर्शन है तो समवर्तन होना चाहिए। अगर समदर्शन नहीं है तो समवर्तन, अगर समदर्शन नहीं है तो समवर्तन क्यों सकता नहीं है। मैंने एक समदर्शन किया क्या सुना हुदा जे शिव धन तोरा सहस बाहु सम सोरी। ये क्या है, ये समदर्शन। अब जब मैं व्यवहार जगत में खड़ा हो गया तो क्या किया, सो बिलगाव समवर्तन मने व्यवहार। समान दर्शन तो हो सकता है, आप कर सकते हैं लेकिन समान व्यवहार नहीं कर सकते। जब आप व्यवहार समान करेंगे तो अंतर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि सो जब समवर्तन किया तो सो बिलगाव बिहाय समाजा अन्नत मारे जई हैं सब। जैसे इनके पिताजी ने एक जगह समदर्शन किया, क्या किया, सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण की। ये क्या है, ये समदर्शन। लेकिन जब चारों पुत्रों के ऊपर व्यवहार किया कि अब मैं व्यवहार मुझे क्या करना है, तो कहता है राम भेद नहीं बनत। कहे बाकी सब सरजू जी में तुम डालोगे क्या, कि बाकी से कोई मतलब नहीं। तो व्यवहार क्या है, समदर्शन क्या है, सब चारों पुत्र मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं। लेकिन जब व्यवहार जगत में खड़ा हो गया पिता कि मुझे व्यवहार क्या करना है, तो कहता है महाराज राम देत नहीं बनत। ये तीन का ले जा पर राम देत मने कहता ये तो मेरा व्यंग है कि तीन का ले जाओ, लेकिन राम देत नहीं बनत। गोसाई राम के प्रति व्यवहार अलग हो गया। तो समदर्शन और समवर्तन, समदर्शन तो हो सकता है लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता। मैंने समदर्शन भी किया है, तुमने धनुष का समदर्शन किया, बहुधन भी तोरी लटकाई कबहू नीन गोसाई। ये विश्व का इतना बड़ा जानते हो विज्ञान है, बल विज्ञान कठिन को दंडा। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है जो तोड़ा गया है। अगर ये तोड़ दिया गया है तो फिर आगे इसका विकल्प क्या है। भाई जब कोई सेतु है, पुल है, जब उसकी अवधि समाप्त हो जाती है तो उस पुल को तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है कि नहीं तोड़ दिया जाता, लेकिन आवागमन के लिए उसके बगल से कोई पुल बना दिया जाता है। तो इसके उसमें क्या है कि अगर ये तोड़ दिया गया है तो इसका विकल्प क्या है। ये मेरा तर्क है। बढ़िया बढ़िया लंबी वार्ता हो गई, बढ़िया लोगों को भ्रमित किया है। ठीक है आपका, बढ़िया लोगों को भ्रमित किया है। अब हम तो ऐसे ही मुस्कुराएंगे और जो ये आग ताप रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे सुधी लोगों से हमारा एक ही कहना है, थोड़ा सा एकाग्रता से और आग का सहारा ज्यादा न लें, क्योंकि आग तापने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो गंगा में अवगाहन करने की आवश्यकता है। जो राम कथा रूपी गंगा बह रही है तो ये समय अवगाहन करने का है, आपका सहारा लेने का नहीं है। आइए जरा फिर से विचार करते हैं। मैं तो चटपट वाला हूं, चटपट। हाँ चिंता ना करो, नहीं ये नहीं कह रहे कि आग ना तापे, पर अवगाहन भी करें। अब अगर कहीं अवगाहन करने के बाद तापा तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। ये बात नहीं है कि वो आग का सहारा ही बिल्कुल छोड़ दे, वो तापे ना, वो खूब तापे, ठीक है ना। लेकिन लड़ाई की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शब्दों की लड़ाई है।
और देखिए नहीं सुनिए, बड़ी लंबी वार्ता हो गई और मैं चाहता हूँ कि किसी बात में चर्चा हो तो चर्चा चटपट की हो। भाई लंबी वार्ता करने से कहीं कोई लाभ नहीं, समझिए जरा, समाधान करिए। अच्छा सम दर्शन का दर्शन तो करा रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाले को नहीं जोड़ा। सहस्त्रबाहु धनुष तोड़ने वाला अभी तक नहीं जुड़ा तो आप समदर्शन का दर्शन क्या कराएंगे? भाई जो निर्णय आपका है तो जब सहस्त्रबाहु धनुष तोड़ने वाला ये दोनों ही नहीं जुड़ पा रहे तो फिर समदर्शन आप क्या करा सकते हैं लोगों को? पहले तो आप इसको जोड़ करके एक स्थान में करिए ना, ये दोनों जुड़ गए फिर इसके बाद आप समदर्शन करा सकते हैं, ठीक है ना? जब यही नहीं जुड़ पा रहे हैं तो समदर्शन भी नहीं हो सकता। आपकी तीन बातें आई हैं, ध्यान दीजिए जरा, तीन बातें कौन कौन सी बातें हैं? आपके तीन बिंदुओं में से एक बिंदु आपका जो आया है वो ममता पर आया है और माता पिता पर आया है। ध्यान देना जरा, एक एक बिंदु आपका आया है, बड़ी एकाग्रता से थोड़ा सा विचार करिएगा, एक बिंदु आपका आया है कौन सा? कि ये धनुष न टूटे और विवाह हो जाता, लोग ऐसा भी चाहते थे कि दिन बन जाओ, ठीक है ना? आप लोग समझ रहे हैं, धनुष न टूटे और विवाह हो जाता, क्यों? क्योंकि इसका विरोध भी किया गया है, आए तात दारू। चलिए एक आपका बिंदु आया है समदर्शन और समवर्तन, और वो आपका जो बिंदु है वो यहां से नहीं है, वो अयोध्या से, वो अयोध्या से। आइए जरा मैं क्रमशः इनका बहुत चटपट समाधान किए दे रहा हूं, बहुत लंबी वार्ता है। आपने कहा कि संसार में माता पिता भी है, संसार में माता पिता भी है। मैंने एक संत का प्रयोग किया था कि अगर यहां पर ममता है संसार के प्रति, और हमने स्थान भी बताए थे कि अगर यहाँ पर ममता है तो इस ममता की प्रशंसा नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि माता पिता तो प्रत्यक्ष के भगवान हैं, ठीक है ना? यही शब्द है, माता पिता तो प्रत्यक्ष के भगवान है, तो जब माता पिता प्रत्यक्ष के भगवान है तो जब भगवान कोई होता है तो कोई भगवान को निपटाता है क्या? पिताजी भगवान है, माताजी भगवान है, कौन है? माता पिता भगवान है। परशुराम जी ने क्या किया? वो माता भगवान को निपटा दिया। अब बताओ तो कहां भगवान है? भगवान को भी कोई निपटाता है क्या? अब समझो जरा, अब बता रहे हो कि भगवान है, भगवान है, लेकिन भगवान के साथ क्या ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए जो आपने किया? पहले समझो, तभी मैं कहता हूँ कि उपदेश आप वो कहिए जो आपका उपदेश जुड़े, आप वो उपदेश करिए जो आपके उपदेश का लोग अनुकरण करें, पर आप वो उपदेश न करिए जो आप अपनी ओर नहीं झांक पा रहे हैं, केवल आप उपदेश कर रहे हैं। वो उपदेश बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। माता पिता अगर भगवान है तो फिर माता जी को निपटाने की आवश्यकता क्यों? ठीक है ना? पहली बात, एक बात आपको और बता दूं, माता पिता माता पिता है, अगर माता पिता भगवान है तो फिर माता पिता में जो श्रद्धा होती है, ध्यान देना जरा, जो श्रद्धा होती है वो भगवान की तरह होती है, याद रखना। अगर माता पिता पर ही चर्चा कर रहे हो, मैं कहता हूं कि संसार की माता माता है, लेकिन संसार की भी माता पुत्रवती युति कब है? कब है? इतने में नहीं है, आगे पीछे कुछ देखिए जरा, इतने में नहीं है। अब उसके लिए प्रमाण आता है कि वो माता कब है? माता पुत्रवती युति जग सोई, लेकिन कब? जब रघुपति भगत जासु सुत तब आए पुत्रवती। पहले समझो, केवल विचार करो, याद रखना। और माता, अगर आप माता कोई सुरेश से देख रहे हैं तो फिर
निर्माता के प्रति ये व्यवहार नहीं होना चाहिए था जो व्यवहार आपके द्वारा हुआ। विचार करिए, पहली बात आपने कहा कि मिथिला के लोग चाहते थे कि महाराज धनुष न टूटे, अब धनुष न टूटे अब विवाह हो जाए, धनुष न टूटे विवाह हो जाए। अब मैं कहता हूँ कि अगर धनुष न टूटता तो सीता का विवाह न तो जब चापाई के अधीन है पहले समझो, अब देख ले यहाँ के श्रोताओं को भाई, पहले समझो जब चापाई के अधीन है विवाह, तो जब तक ये चाप नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह नहीं होगा। अब आपने एक आरोप लगाया है तो मैं उस आरोप का भी समाधान किए दे रहा हूँ। आपने क्या कहा है कि यहाँ पर सीता विरोध कर रही थी, दारुण हठानी असमझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छा यहाँ पर जो विरोध है तो वो धनुष टूटने के प्रति है क्या? सच्चा वाला अर्थ करके देना जरा, सच्चा वाला। इसीलिए कहता हूँ कि भ्रमित ना लोगों को किया जाए, भ्रम मुक्त किया जाए। जो यहाँ पर विरोध है, हेलो हाँ ये आगे भगवान सिंह गजावल जो की शीतलपुर के हैं, उनकी तरफ से ये केसरबा श्री भार्गव स्वामी के चरणों में और केसरबा श्री लखनलाल के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर जो विरोध है वो विरोध बात का नहीं है कि धनुष का खंडन होने जा रहा है, ध्यान देना जरा, विरोध इस बात का नहीं है कि धनुष तोड़वाया जा रहा है, ये आपके आपके अर्थों में नहीं चलेगा, आपके अर्थों में नहीं चलेगा। इस बात का विरोध नहीं है कि धनुष तोड़वाया जा रहा है। अरे महाराज वो जो विरोध कर रही है सीता वो तो स्वयं चाहती है कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी धनुष टूट जाए, उतना जल्दी। पर विरोध किस बात में है? विचार यहाँ ये करना है, देखिए विचार ये करना है। और किस बात में विरोध है वैसे ही महाराज? हाँ आप भी थोड़ा चेतन वहीं पे आप भ्रमित करेंगे। और समझते नहीं कछु लाभ ना हानि। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहीं पर उत्तर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर उत्तर। किस बात का है ये विरोध? विरोध इस बात का नहीं है कि धनुष तोड़वाया जा रहा है तो आहे तात दारुण हठानी। इस बात का विरोध नहीं है कि धनुष तोड़वाया जा रहा है तो ये अंकित किया जा रहा है। इस बात का विरोध है, सीधे सीधे अभी मैं पढ़ता हूँ, कहा धनुष मृदु गात की सोरा। अच्छा विरोध बात का है जो ये कहा जा रहा है कि आहे तात दारुण हठानी, वो इसलिए कहा जा रहा है कि कह धनु कुल सिउ चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात की सोरा, कहां ये धनुष वज्र के समान और कहां इतने सुकुमार। इस कारण से आहे तात दारुण हठानी, विरोध इस बात का नहीं है कि धनुष तोड़वाया जा रहा है। अच्छा इस बात को भी मैं सिद्ध किए दे रहा हूँ कि सीता विरोध क्यों करेगी कि धनुष न टूटे। पहले समझना, सीता इस बात का विरोध क्यों करेगी कि धनुष न टूटे? क्यों? क्योंकि सीता तो चाहती थी कि धनुष टूटे। अब बताओ और कोई मार्ग हो तो खोज न जरा, हम दिए दे रहे हैं। सीता चाहती थी कि धनुष टूटे, मिथिला के लोगों की एक लालसा थी और वो लालसा आप सभी लोग जानते हैं। यही लालसा मगन कबीर और जानती। अच्छा सीता कैसे चाहती थी कि धनुष टूटे? क्यों? अगर सीता ये ना चाहती होती कि धनुष टूटे तो प्रमाण इस बात का ना मिलता कि बार बार बिनती सुन बोली। सीता या कह रही है
करुणता आती। ईमानदारी से जरा बताओ, इस बात की प्रार्थना सीता कर रही है कि मैं विनती कर रही हूँ, किस लिए कि जो चाप की गरुता है ना, इसको थोड़ी कर दे, और जब ये गरुता थोड़ी हो जाएगी तो तोड़ने वाला बड़ी सरलता से आएगा और बड़ी सहजता से इसको तोड़ देगा। तुम बताओ सीता का विरोध कहाँ? सीता का विरोध है कहीं? इस बात में नहीं है कि धनुष क्यों टूटे, ध्यान में रख, इसलिए सच्चे अर्थों पर अगर कोई उत्तर किया जाए तब ठीक, पर अगर कहीं इधर उधर से जोड़ा जाए, कहीं का ईट कहीं का आए, तो अगर ये वाला दिया जाएगा तो ये वाला बिल्कुल ठीक नहीं है, पर जो सच्चा वाला है उसको ये दिया जाए तो ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर धनुष न टूटता तो सीता का विवाह न होता। धनुष टूट गया, सीता का विवाह हो गया। अब अगर सीता का विवाह हो गया है तो विवाह होना कोई अपराध नहीं है। धनुष टूटा, दाम्पत्य जीवन का निर्माण हो गया, और दाम्पत्य जीवन का निर्माण होना कोई अपराध नहीं है। जब कोई अपराध नहीं है तो जो आपका विरोध है, जो आपकी विरोध की धरती है, ये बिल्कुल ठीक, इसको ठीक करो, पहले इसको ठीक करो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं व्यास, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि स्वयं का विवाह तो होता नहीं है, अगर कहीं दूसरे का देख लिया तो वो देख नहीं पाए। अच्छा, कुछ लोगों से पूछो भैया विवाह, कुछ लोगों से पूछो कि क्यों भैया विवाह, तो बताने वाले लोग ये कहते हैं नहीं हमने किया नहीं, हमने किया नहीं, पर ये थोड़ा बता देंगे कि हुए नहीं, ये बताएंगे किया नहीं, पर ये ना बताएंगे कि हमारा हुआ नहीं, ठीक है ना, वही स्थिति या है ये ना बताएंगे, क्योंकि ये बरला एक दुल्हन जग नहीं, जगत में दुल्हने नहीं है तुमको करी, देखो काम उसका रहे हो, बस मुस्कुरा दे तो काम ना बन जाएगा। लक्ष्मण जी ये देखो गड़बड़ ना किया करो, हाँ यार सा फरसा से काम ना बनेगा, तभी मैं कहता हूँ कि मुस्कुराओ, अगर मुस्कुराओगे काम बन जाएगा, अब अगर क्रोध करोगे तो काम बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि क्रोध से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, क्यों? अगर कुछ मिलता है तो बड़ी सहजता और सरलता से वो प्रेम से मिलता है, प्रेम प्रेम कहो तो एक प्रमाण भी दे दीजिए, हमारी ना मानो तो गुरु बाबा की तो मान ही लोगे, हाँ कह दो मान लेंगे, अब कहे सब चिट्ठी रहेगी कह दो कि मान लेंगे, क्योंकि हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारा प्रमाण नहीं है, और प्रमाण उनका है, और उनका प्रमाण क्या है, क्या है? अभी आप कह रहे थे ना सही फरार को राज समाज आज तोड़ने वाला कौन है, तोड़ने वाला कौन है? त्रिभुवन का साधारण नहीं है, और जब साधारण नहीं है तोड़ने वाला साधारण नहीं है, तो फिर तोड़ने वाला कौन हुआ? वो असाधारण हुआ, और जो असाधारण होगा तो क्या वो इतनी सरलता से मिल जाएगा क्या? अब आप समझ सकते हैं, रहस्य की बात है, अभी मैं खोलूंगा नहीं, इसका खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब वो तोड़ने वाला साधारण नहीं है तो फिर महाराज उसका मिल भी जाना साधारण नहीं। बोले बाबा एक प्रमाण दे रहे हैं, उसको थोड़ा अपना लेना ले। तो आपके लिए वो लाभकारी बात है, बोला आगे आने वाले मार्ग में वो बिल्कुल लाभकारी होगी। कैसे? तो भोले बाबा कहते हरी निर्णय क्या किया, कहीं अगर क्रोध हो तो हमको बता देना तो हम वही रुक जाएंगे, निर्णय हो रहा है। बोले ही मैं क्या आना, इसलिए जो काम प्रेम से बन जाते हैं वो काम क्रोध से नहीं बनते। आपने एक शब्द का और बीच में प्रयोग किया था, आइए जरा मैं उसका भी समाधान करके देता हूँ। आपने कहा था कि ये धनुष क्या है? बोले ये धनुष विज्ञान, बर विज्ञान कठिन को धनुष क्या है? विज्ञान है। अच्छा, धनुष विज्ञान है तो मैं कहता हूँ कि विज्ञान अगर धनुष है तो दो शब्द है इसमें भी, दो शब्द, दो शब्द
अगर धनुष विज्ञान है तो समाज में पहले विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, पहले ज्ञान की आवश्यकता है। पहले विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, पहले ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान नहीं होगा विज्ञान कहां से हो जाएगा। संसार में समाज में पहले यंत्र की आवश्यकता नहीं है, पहले मंत्र की आवश्यकता है। समाज में पहले शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, संसार में पहले शास्त्र की आवश्यकता है। और अगर इनकी आवश्यकता है तो कहाँ पर है? तो हमारे संतों ने कहा कि समाज पर अगर है तो शास्त्र की आवश्यकता है, पर सीमा पर अगर है तो शस्त्र की। इसकी आवश्यकता कहाँ है? सीमा पर। समाज में थोड़ी आवश्यकता है, कहाँ समाज में आप भी किस चक्कर में पड़े हो। समाज में शास्त्र की आवश्यकता है, समाज में ज्ञान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पहले है शास्त्र और फिर है शस्त्र, पहले है ज्ञान फिर है विज्ञान, पहले है मंत्र और फिर है ज्ञान। दीजिए, जितनी भी बातें होंगी वो सब भारी होंगी। हाँ, यात्रा करिए। कैसे ज्ञान? ज्ञान कौन है? ज्ञान कौन है? आइए जरा इसको भी मैं वहीं से जोड़े दे रहा। ज्ञान अखंड एक, आगे नहीं आगे नहीं। आप क्योंकि इतने सुधी हैं कि आप समझ सकते हैं, पर ये समझ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है भाई। यार के समझने से तो कोई समस्या नहीं है, पर इनके समझने से भाई ये समझ जाएगा तो ठीक है। आपके और इनके और मेरे बीच की जो विरोध की धरती है उसी का समाधान हो जाएगा। इसलिए महाराज क्या और अगर जो विज्ञानी भी होगा, ध्यान देना, जो विज्ञानी होगा, जिसके पास विज्ञान होगा तो वो पहले ज्ञानी होगा, पहले ज्ञानी होगा, अब बाद में विज्ञानी होगा। अच्छा, बिना ज्ञान के विज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे? कैसे? एक शब्द होता है पिता, एक शब्द इसी से जुड़ करके दे रहा, जैसे मैंने मंत्र और यंत्र और ज्ञान और विज्ञान, शास्त्र और शस्त्र जो मैंने दिया है, तो ठीक उसी प्रकार एक शब्द होता है विकास। लेकिन मैं कहता हूं कि विकास के पहले प्रकाश की आवश्यकता। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक संसार का कोई विकास होने वाला नहीं। अब प्रकाशो कौन ना, उसको भी मैं वहीं से जोड़े ले जाऊं। आप कितनी बातें जोड़ दूं, है वहां से जगत कौन है? कौन है? बोले माया जीव ज्ञान गुण। अब समझो जरा, तो संसार में विज्ञान है आपकी दृष्टि में, लेकिन मैं कहता हूँ कि विज्ञान तभी सार्थक है जब उसके पहले ज्ञान है, तब विज्ञान सार्थक है। पहले ज्ञान की आवश्यकता है, बाद में विज्ञान की आवश्यकता है, पहले मंत्र की आवश्यकता है, बाद में यंत्र की आवश्यकता है, पहले शास्त्र की आवश्यकता है, बाद में शस्त्र की आवश्यकता है, और संसार में पहले प्रकाश की आवश्यकता है और बाद में। इसलिए ये विज्ञान, चलिए थोड़ा सा ले लो, क्योंकि लोगों का भ्रम बड़ा रहेगा और हम उधार कुछ रखते नहीं है ना। यही तो एक स्वभाव है और सिद्धांत की बात है, उधार नहीं रखते। एक आपने बात और कही है, संदर्शन और संवर्धन, तो आपने उसको कारण बना करके छोड़ दिया। कारण, अब कारण जब आपने बना करके छोड़ दिया है तब कारण उसमें क्या होता है ये हमारा दायित्व है बताना। ध्यान दें, आपने कहा कि समदर्शन का प्रयोग तुम्हारे यहाँ हुआ, समदर्शन का प्रयोग तुम्हारे यहाँ हुआ, और समदर्शन का प्रयोग कैसे हुआ? व्यासी कैसे हुआ समदर्शन का प्रयोग करा? आइए, ये अयोध्या की बात है, सुधी लोग बैठे हैं, मानस के जानकार लोग बैठे हैं, ये अयोध्या की बात है, पर आपने उसको कारण बना करके छोड़ दिया। कारण घर में काम नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए जरा, आप तापने वाले श्रोताओं से भी हमारा कहना है, कारण घर में काम नहीं चलेगा। कारण क्या बनाया था?
सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण की लाली, पर राम देव नहीं। कारण यही आ गया। अच्छा राम जी देते नहीं, राम देव नहीं बना। अच्छा क्या कभी कभी ये विचार किया गया है कि राम जी देते क्यों नहीं बनते, राम देव नहीं बनत गोसाल, ऐसा क्यों? कारण क्या, क्या विचार किया गया भाई? नहीं नहीं, सब राम जी को लेना चाहते हैं और वो राम जी को ना भी ले तो राम जी सबको लिए, राम जी सबको लिए हैं। और राम जी इसलिए लिए हैं कि उसका सीधे प्रमाण आता है कि वाणी ऐसी है कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर ताया। अच्छा संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम जी का नाम, ध्यान देना, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम जी का ना हो? क्यों? क्योंकि एक प्रमाण और मिलता है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि। पर विचार वहां करना, क्या कभी विचार किया गया है कि राम देते ही बनत गोसाई, ऐसा क्यों? राम जी देते क्यों नहीं बनते? कारण कौन सा है कि राम जी देते नहीं बनते? अब सभी शुद्ध प्राणों के समान प्रिय हैं पर राम जी देते नहीं बनते। उसका कारण सीधे बड़ी सरलता से और बहुत छोटी वार्ता से आप ये समझ लीजिए कि राम जी देते क्यों नहीं बनते। राम जी देते इसलिए नहीं बनते कि व्यक्ति अपने प्राण देने का अधिकारी होता है, ध्यान देना, व्यक्ति को अपने प्राण देने का अधिकार होता है, व्यक्ति को अपने प्राण देने का अधिकार होता है। पर अगर किसी से पूछा जाए तो क्या कोई व्यक्ति दूसरे के प्राण देने का अधिकारी हो सकता है? नहीं हो सकता। अब कहने वाला जो कह रहे हैं हमारे पिताजी, राम जी उनके प्राण नहीं है, राम जी दूसरे के प्राण, तभी वो इस बात को कह रहे हैं कि राम देव नहीं बनत गोसाई। इसको थोड़ा ठीक करिए, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं अभी तक, थोड़ा सा या तो या वापसी दीजिए या तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। कहने वाले तो कह रहे हैं राम जी उनके प्राण नहीं है, राम जी उनके प्राण नहीं है, राम जी दूसरे के प्राण है। अगर राम जी जब उनके प्राण नहीं है तो फिर राम जी किनके प्राण, राम जी किनके प्राण है? तो राम जी भोले बाबा के प्राण है। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राण, किसके प्राण है राम जी? शिव 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 प्राण है राम जी। तो पिताजी कह रहे कि ये मेरे प्राण नहीं है, ये शिव प्राण है, इसलिए राम देव नहीं बनत गोसाई, क्योंकि अगर मेरे प्राण होते तो हम इनको दे देते, पर ये हमारे प्राण नहीं है, ये शिव प्राण है, इसलिए हम इनको नहीं दे सकते, इसलिए राम देव नहीं बना गोसाई। अच्छा जब ये शिव प्राण है, ध्यान देना, जब राम जी शिव प्राण है तो फिर बाद में क्यों दिया गया? फिर भी नहीं देना चाहिए, बाद में क्यों दिया गया? फिर भी नहीं देना चाहिए। लेकिन राम जी को दिया कब गया? विचार यहाँ करना होगा, राम जी को तो तब दिया गया जब गुरुदेव भगवान ने आकर के समझाया, तब राम जी को दिया गया। अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि गुरुदेव भगवान ने समझाया है पर भोले बाबा ने तो नहीं कहा कि दे, तो फिर क्यों दिया गया? फिर भी नहीं देना चाहिए, फिर क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि एक सूत्र हमारा कहता है कि बंदे बोधमयम नित्यम गुरु संकल। गुरुदेव भगवान ने समझाया तो गुरु किसके स्वरूप है? उन्होंने कहा गुरु रूप में आकर, तब राम जी को दिया गया। अन्यथा जब तक उन्होंने नहीं कहा तो निर्णय केवल इस बात का रहा कि राम देत नहीं बना गोसाई। कारण ये है समवर्तन का, केवल विचार करने की आवश्यकता है और विचार किया जाए। और मैं कहता हूँ धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, और जब धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है तो उसको यदि यदि खोजा जाए, उससे यदि मिला जाए, उसको यदि प्राप्त किया जाए तो प्रेम से प्राप्त किया जाए, ऐसा मेरा। धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, तब तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो धनुष तोड़ने वाले को ललकार रहा है वो भी साधारण। जब तुमको यही पता नहीं है तो मैं उत्तर क्या करूं?
भाई व्यक्ति को कुछ अपने मन से जानकारी कर लेना चाहिए। गुरुदेव केवल मार्गदर्शन करते हैं, बाकी विद्यार्थी की प्रतिभा पर निर्भर करता है कि वो कितना आगे बढ़ करके काम करता है समाज में। तो ये तुम्हारी प्रतिभा पर निर्भर है कि तुम क्या करते हो। एक उसने व्यंग किया था कि कुछ लोगों का विवाह नहीं होता है तो कहते हैं कि विवाह को हम विवाह कराना ही नहीं चाहते, लेकिन विवाह को कोई आता ही नहीं। अब हम भैया बहुत दिखे दूल्हा, ईमानदारी से अगर पता न हो तो ब्यास जी से पूछ लो फूंक रहे हैं चूल्हा। अरे तुम विवाह की बात करते हो, मैंने वो विवाह देखा है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। और कैसा चूल्हा देखा, तो जिस समय हमारे भोलेनाथ चूल्हा बन रहे थे, सीम ही संबंध होगा ना, शिव शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। कैसा सिंगार कर रहे थे, जटा मुकुट आई मोर। अच्छा मुकुट मौन रहेगा था, मौन था सर्पों का, जो ये मौल बांधा जाता है ये सरसों का ही मौल बांधा जाता है। दुल्हन एक दिन रोती है, दुल्हा सब दिन रोता है। लक्ष्मण ने अपनी बात प्रस्तुत कर दिया कि महाराज आप यहाँ से जाएं, मैं अपना विवाह कराना चाहता हूँ, कारण धनुष तोड़ने वाले का तो हो ही गया है, अब मैं उम्मीदवार बना घूम रहा हूँ, अब आप बीच में व्यवधान कर रहे हैं, तभी ये दुल्हा की बात छेड़ दी। तो दूल्हा घर बनना है तो कैसे बनो, तो कहा क्या निकाह हो मौन सरपल, अज्जामा बना हो भक्ति का, अब प्रकट की दुल्हन बनी हो संयोग हो जब शक्ति का, कीर्ति की गाथा बनी हो प्रेम कथा रथ छा जाए, दोनों का गठबंधन हो जब दूल्हा दुल्हन आ जाए। अब ना कहना भला अब वो दूल्हा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, बहुत बड़े बड़े देखे। चलिए लक्ष्मण ने एक बात और कहा कि राम जी देते क्यों नहीं बनी, तो कहा राम जी शंकर जी के प्राण मुनि धन जन सर बस शिव प्राण। भाई भ्रमित करने में तो लोग बहु आगे होते, तो राम जी शंकर जी के प्राण है राम जी, तो हमारे पिताजी से मांग रहे थे तो पिताजी इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो शंकर जी के प्राण थे, जब दिया तो शंकर जी का आदेश हो गया, गुरु भगवान को शंकर जी के रूप में खड़ा कर दिया। तो हमें लगता है कि पिता को तुम अपने बहुत छोटा मान रहे हो का, इतना हल्का ना मानो पिताजी को जितना हल्का तुम कर दिया। सचिव धीर धरी का हमर दुबानी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। अरे तुम्हारा पिता बहुत बड़ा ज्ञानी है भाई, तुम्हारा पिता बहुत बड़ा पंडित है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम पिताजी को भी नहीं छोड़ते हो। नहीं बाबा विश्वामित्र ने मांगा कैसे, अनुज समेत देह हुआ भुदा था अनिश्चर बधमय हो सनातन। यहां तुम्हारी बात क्या है, मुनि धन, राम जी किसके धन है, राम जी किसके धन है, मुनि धन, मुनियों के धन है। अब विश्वामित्र कौन है, विश्वामित्र मुनि है, तब मुनि अपना धन तो मांग रहे हैं, मुनि अपना धन मांग रहे हैं। अब तुम्हारे पिताजी को ये ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है, ये शंकर जी के प्राण है, ये ना कहो बाहर बेकार की बात।
तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था जब महाराज मधु थे सुत विषय पद रंगी हो अमोही बड़े बूढ़े कहे जन को मेरा जो अनुराग हो वो ये न हो कि आप भगवान हैं, मेरा अनुराग ये हो कि आप मेरे पुत्र। तो भगवान का अनुराग कैसे हो जाएगा विचार करिए। तो विश्वामित्र जी अपना धन मांग रहे हैं, ये राम जी मुनियों के धन है, तो कहते हैं भैया हमारा धन है तो तुम हमें दे दिए। अगर इस बात से उत्तर करना जैसे ये परसु है और हम आपके पास रख दें कि थोड़ी देर के लिए रख लो या दो चार साल के लिए रख लो, और जब हम आपसे मांगने आए तो आप कह दियो कि मैं आत्महत्या कर लूंगा पैसे नहीं दूंगा, ये कोई बात है? ये कोई बात? राम जी धरोहर, राम जी धरोहर मुनियों के धन है, मुनि धन जन सर्वस्व संसार के सब कुछ है, मुनियों के धन है और भगवान शंकर के प्राण है। तो कहीं का रोड़ा भानुमती का कनबा जोड़ा ऐसा ना जोड़ा, ये ना कहो जो बातें हो चुकी हैं। अरे हमको कहते दियो, तुम कह चुके हो तो हम भी कह रहे हैं। चलिए अगर आप नहीं अनुकरण कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं, इसमें तो प्रसन्नता की बात है। हम तो नहीं कहते हैं कि तुम ऐसा बात कहते हो, बढ़िया अनुकरण करो। हम कह चुके हैं तुम ना कहो, तुम खूब कहो। अगर ऐसे अनुकरण करते रहोगे तो ठीक ही ना हो जाओगे। शांत मर्यादा बनाओ, मर्यादा घबराए तो वही बात। लोग हंस ही रहे हैं तो क्या करोगे बताओ, कहां तो हंसने दो, कहां 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 निपटोगे, खिसिया आना निपटोगे। हाँ अपनी अपनी बारी बोले, ये बात देखनी बहुत अच्छी बात। अब कहता है लक्ष्मण की महाराज प्रेम करो, प्रेम धनुष तुम्हारे आपके गुरु बाबा कहते हैं कि प्रेम से, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट होता। अच्छा प्रेम कब होता है? क्या प्रेम कभी बाजार में मिलता है क्या? प्रेम न खेती उपजे, अप्रेम न हाल बिगाड़े। मैं भी प्रेम करना जानता हूं, ऐसा थोड़ी है कि मैं प्रेम करना नहीं जानता, लेकिन प्रेम होता कब है? तब प्रेम कब होगा? तो कहा जाने बिनो न हो ये परतीति, अब बिन परतीत हो ये नहीं। जब तक जाना नहीं जाता है तब तक परतीत मने विश्वास, तब तक विश्वास नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक प्रेम। तो जब मैं धनुष तोड़ने वाले को जानता नहीं हूं तो मुझे विश्वास नहीं है, और जब मुझे विश्वास नहीं है तो मुझे प्रेम कैसे हो जाएगा? मैं जान जाऊंगा मुझे प्रेम हो जाएगा, तो पहले मैं जानू तो कि वो धनुष तोड़ने वाला कौन है। अब तुम बहुत बड़े प्रेमिया घूम रहे हो, प्रेमी अरे तुम्हें हमसे प्रेम करते भाई, तू ही प्रेम करते, तुम ऐसा कोई मार्गदर्शन करते कि मुझे अनुराग होता। और तुम क्या कह रहे हो? सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले यही प्रेम है। अरे भाई अगर उपदेश प्रेम का है तो प्रेम देके दिखाओ भैया। प्रेम में क्रोध में ज्यादा दूरी नहीं होती है, जब अच्छा क्रोध होता है, जब क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब प्रेम में बदलता है, जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो क्रोध में बदलता है, जब शत्रुता अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो मित्रता में बदल जाती है, और मित्रता जब अपनी चरम सीमा में पहुंचती है तो शत्रुता में बदल जाती है। गुरु तुम्हारे भक्त सिद्ध है, अगर ही गढ़ी का है अवंदर हाथ लगाए के बाहर। प्रेम रूपी
हाथ लगा करके अंदर से क्रोध रूपी चांटा मारता है कि सुधर जाए, सुधर जाए थोड़ी, अब आदमी वो सुधर लाता। इसलिए मैं जो यहाँ क्रोध कर रहा हूँ तो एक सिद्धांत है कि बिन भय होए, बिना भय के प्रेम नहीं होता है। तो मैं यहाँ भय दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं भय दिखाऊंगा तब प्रेम होगा, और नहीं तो मैं अगर जान जाऊंगा तब प्रेम होगा, तो मैं ये तो जान जाऊंगा तो प्रेम होगा, नहीं तो मैं अपना भय दिखा रहा हूँ प्रेम होगा। देखिए आपने एक चूक और हो गई, समझिए, तभी हम कहते हैं कि आप नहीं कोई भी बात करें लेकिन सच्चा वाला अर्थ करें तब तो ठीक है। भाई आपने केवल इतना पढ़ दिया कि भय बिन होए ना प्रीत, बिना भय के प्रीत। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम चाहे चले जाएं पर आप नहीं जाएंगे, लेकिन हम भी नहीं जाएंगे, अभी केवल यही जाएंगे, हमारी भी बहुत ठीक है। अब देखिए जरा, इन्होंने कहा कि भय भी हो प्रीत, बोले मैं भय भी इसलिए कह रहा हूं कि प्रीत हो जाए, प्रेम हो जाए। अच्छा, भय भी आप इसलिए कर रहे हैं कि प्रीत हो जाए, तो ये भय भी हो तो ना प्रीत, ये कब है? इसके आगे पीछे भी तो कुछ होगा कि सीधे भय भी हो ना प्रीत। भाई सीधे थोड़ा कि भय भी हो ना प्रीत, इसके पहले भी आप देखिए सिद्धांत, सिद्धांत आप वो लगाइए जो सिद्धांत लगे। अब सिद्धांत आप अगर लगा रहे हैं तो पूरा लगाए, अधूरा ना लगाए। और इसके पहले का सिद्धांत है कि बिना न मानत जलत जड़। अब गए तीन दिन, एक दिन नहीं, हाँ गए पप्पू सिंह भदौरिया जी, उनकी तरफ से ये 50 रुपया श्री लखनलाल जी के चरणों में और 50 रुपया श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। पहले बिले बिले, अब एक लड़की बिले लेंगे, गए तीन दिन, भी तीन दिन बिने। अब जब बिने स्वीकार न की गई तब बोले अमुक सकोप तब भय बिन होत न, लेकिन कब? सीधे भय नहीं है ये, पहले बिले है अब फिर क्रोध है, पहले बिले फिर क्रोध है। अगर ये सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं तो ये सिद्धांत आपने इसलिए नहीं जुड़ पा रहा कि आपने अगर किसी से बिले किया यहाँ आने के बाद तो कोई एक प्रमाण पढ़िए, आपने तो सीधे यहाँ आने के बाद क्रोध किया, क्रोध। जब केवल क्रोध कर रहे हैं तो फिर ये सिद्धांत से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस सिद्धांत को किनारे करिए, आप अपने आप को अलग करिए, जल्दी करिए, समय न लगे। देखिए तभी मैं कहता हूँ कि आप थोड़े से ईमानदारी की लड़ाई करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ईमानदारी की लड़ाई जब होती है तो लोगों को भी आनंद आता है। सिद्धांत को किनारे करिए। अब आइए जरा एक बात इन्होंने कहा, मैंने एक दर्शन दिया था कि व्यक्ति को अपने प्राण देने का अधिकार होता है, व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है लेकिन व्यक्ति कभी किसी दूसरे के प्राण नहीं दे सकता। और मैंने उदाहरण भी दिया था कि राम जी उनके स्वयं प्राण नहीं है, राम जी भोले बाबा के प्राण, इसलिए राम देत नहीं बनत गोसाई। और मैंने गुरु गुरुदेव से जोड़ा उस बात को, मेरी बात पूरी पूरी लगी। अब आपने उसमें एक बिंदु खड़ा कर दिया, बिंदु क्या खड़ा कर दिया? बोले मुनि धन, मुनि धन वो कौन है? तो मुनि धन है श्री विश्वामित्र जी, कौन है? मुनि है। अच्छा एक बात का और उत्तर कर देना, किसी का धन चला जाएगा याद रखना, या किसी का धन आपके पास धरोहर रूप में होगा तो अगर आप धन आज नहीं देंगे तो कल देंगे, कल नहीं देंगे कुछ वर्षों के बाद देंगे। धन चला भी जाएगा किसी का, एक उदाहरण, धन चला भी जाएगा किसी का तो वो एक न एक दिन मिलेगा, याद रखना। धन चला भी जाएगा किसी का तो एक न एक दिन वो मिलेगा, लेकिन अगर किसी के प्राण चले गए। इनको थोड़ा बताओ कि विद्यालय के अंदर नहीं गए का, प्रवेश नहीं मिला का, बिल्कुल पीछे, अच्छा पीछे तो गए ही होंगे, चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी गए हो लेकिन ये अच्छा बोलते हैं, हम इतना जानते हैं। आइए जरा एक मूल बात पर आते हैं। इन्होंने कहा कि प्रेम
मैंने दर्शन दिया था कि धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, धनुष तोड़ने वाला असाधारण है। जब वो असाधारण है तो उसको जान लेना भी इतना साधारण नहीं है। इन्होंने एक मोर्चा बनाया कि प्रेम, अरे जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम कैसे होगा। और इन्होंने क्या अर्धानी पढ़ी, इन्होंने कहा कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। तो प्रतीत माने होता है विश्वास, प्रतीत माने होता है विश्वास। अच्छा ये बात इनकी ठीक है, जब तक जाना नहीं जाएगा किसी को तब तक आचार्य जी माना नहीं जाएगा। बिल्कुल, रसिक लोग बैठे हैं और भाव पक्ष की धरती पर बैठे हैं। हमने ये भी विशेषता यहाँ पर देखी कि यहाँ पर रसिक लोग बैठे हैं और भाव पक्ष की धरती पर बैठे हैं, भाव में डुबकी लगा रहे हैं यहाँ के लोग, देखे जरा। तो आइए अब उसी धरातल पर हमारी आपकी यात्रा हो, उसी मार्ग पर। प्रतीत विश्वास, जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी धनुष तोड़ने वाले को जानते नहीं है।